प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज मेरा विषय वही है, इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 15वें पद में हम पढ़ते हैं, इफिसियों 5:15, वहां पढ़ते हैं, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई। हम जानते हैं कि जरा जरा सी बातों में भी बुद्धि बहुत जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। कल हमने ये देखा था कि जब हम प्रभु से किसी चीज की विनती या याचना करते हैं, तो प्रभु अक्सर पलट कर कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुमने मुझसे मांगा है, मुझे पिता मानते हो, तुम जानते हो कि मैं सर्वेश्वर हूं, लेकिन मुझे तुमसे भी कुछ उम्मीदें हैं। जिनमें से पहली उम्मीद यह है कि तुम मेरी आज्ञा मानोगे। और उसके बाद प्रभु कई बार आज्ञा देते हैं, ऐसी आज्ञा जो मनुष्य की बुद्धि से परे है। अब जैसे वो आभागा अंधा आदमी प्रभु के पास नजर के लिए गया, तो प्रभु तो मन ही मन सोच लेते कि तू चंगा हो जा, तो वो हो गया होता। उसके बदले प्रभु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखों में लगाया, उसके बाद कहा कि जाके वहां फलानी जो जगह है वहां जाके आंखों को धो। ये अपने आप में बहुत कठिन बात थी, क्योंकि वहां से कई किलोमीटर जाना था, उसके लिए दूसरों की मदद लगती। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो वो करना, जिसको जो उसे करना था। अच्छा, शिलोम का जो जो कुंड था, वो एक पहाड़ की मेड़ पे था, जहां एक अंधा आसानी से उतर नहीं सकता, जरा सा पैर फिसला तो वो जाके गिर जाएगा। प्रभु अक्सर हमसे जो बातें करने को कहते हैं, वो सामान्य बुद्धि के विपरीत है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम इन बातों को और अच्छी तरह से समझने लगते हैं। इन चीजों को मनुष्य की बुद्धि से नहीं देखना है, और यदि प्रभु हमसे जो कहते हैं वो सही रीति से करना है, तो मनुष्य की बुद्धि से देखने के बदले बुद्धिमानों के समान देखना है। यहाँ बुद्धिमानी से, ये जो हमने इफिसियों 5:15 पढ़ा था, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हैं, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, इफिसियों में जो कहा है, उसमें जो बुद्धिमानों के समान चलो कहा गया है, वो मनुष्य की बुद्धि के बारे में नहीं है, मनुष्य के IQ के बारे में नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम जब पैदा होते हैं, तब हर व्यक्ति बुद्धि लेकर पैदा होता है। किसी की बुद्धि ज्यादा होती है, किसी की बुद्धि कम होती है, जिसको IQ के द्वारा टेस्ट किया जाता है। यहाँ जो विद्यार्थी हैं, वे लोग जानते हैं, कई बार स्कूलों में मनोवैज्ञानिक लोग आकर टेस्ट करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये तो बहुत बुद्धिमान बालक है या बालिका है, इसको सही रीति से ट्रेनिंग दी जाए। कई बार बच्चे
जब जीवन में जितने फास्ट उनको डेवलप होना चाहिए, जब डेवलप नहीं करते, विकास नहीं करते, तो माँ बाप उसको मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं और मनोवैज्ञानिक उसके बुद्धि को जांचता है। बुद्धि को जांचने का स्केल है IQ, और IQ जितना ज्यादा होगा वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होगा। यहाँ उस बुद्धि की बात नहीं कही गई है। IQ लेकर तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, और नई पीढ़ी के बारे में ये देखा गया है कि उनकी IQ तो पिछली पीढ़ियों की तुलना में काफी हाई है, लेकिन जो प्रभु का वचन कहता है, निर्बुद्धियों की नाई नहीं लेकिन बुद्धिमानों की नाई चलो, तो ये IQ की बात नहीं हो रही है, आत्मिक बुद्धि की बात हो रही है। एक व्यक्ति यदि उसे अपना आत्मिक जीवन सही रीति से आगे बढ़ाना है, अच्छा हाँ, और ये मैं याद दिला दूं कि इन दिनों हम व्यावहारिक मसीही जीवन की चर्चा कर रहे हैं, और व्यावहारिक मसीही जीवन को यदि आगे ले जाना है तो जरूरी है कि उसके लिए बुद्धि होनी चाहिए। उस बुद्धि की बात हो रही है। ये बुद्धि कैसे आए, इसके बारे में प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिनमें से एक बात आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो हम देखते हैं भजन 90 के 12 में। भजन संहिता 90:12, ये प्रभु के वचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, लेकिन कई बार ये प्रस्ताव प्रभु के वचन में है वो भी हम भूल जाते हैं। भजन 90:12 कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। एक्चुअली प्रभु के वचन के बहुत महत्वपूर्ण पद है, और हम में से हर व्यक्ति को हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों नाती पोतों को ये पद सिखाएंगे। एक्चुअली पवित्र बाइबल के चुने हुए कुछ पद जो हर बच्चे को याद दिलाया जाना चाहिए, याद करवाया जाना चाहिए, उसमें से एक है भजन संहिता 90:12, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। ठीक है, इफिसियों में हमने ये देखा, निर्बुद्धियों की नाई नहीं लेकिन बुद्धिमानों की नाई चलो। बुद्धिमान होने के लिए प्रभु का वचन बहुत सारी बातें बताता है, जिसमें बहुत सी बातें हम भजन 119 में देखते हैं, और लेकिन उन पदों को देखने के पहले आज मैं पृष्ठभूमि के रूप में भजन 90:12 आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां लिखा हुआ है कि हम बुद्धिमान हो जाए उसके लिए क्या करें, हमको अपने दिन गिनने की समझ दें। दिन गिनने की तो समझ हर एक में होती है। बच्चा जो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता है उससे पूछो कि भाई आज क्या है, तो आज वो फटाक से बता देता है कि आज तो संडे है या मंडे है या बृहस्पतिवार है, और बेटा कौन सी तारीख है, तो फुर्ती से बता देता है कि आज तो 28 तारीख है। तो इसमें सवाल यह है कि दिन गिनने में की समझ से प्रभु के वचन का क्या तात्पर्य। दिन तो कोई भी गिन लेता है, इवन जो मानसिक रूप से थोड़ा बहुत विकलांग है वो भी दिन गिन लेता है। यहाँ सामान्य रूप से दिन गिनने की बात नहीं हो रही है। सामान्य रूप से दिन हर व्यक्ति गिन सकता है, कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि आज जून 28 संडे है, उस गिनने की बात नहीं हो रही। यहां बात इस बात की हो रही है कि मुझे और आपको पूंजी के रूप में प्रभु ने जितने दिन दिए हैं उनको हम सही रीति से गिनते हैं या नहीं है। पूंजी के रूप में दिन दिया है, आप एकदम से पूछेंगे, जी हाँ, हमने ये जो व्यावहारिक मसीही जीवन है इसका अध्ययन ही हमने पूंजी से चालू किया था। मैंने ये बात कई बार आपको याद दिलाई थी कि प्रभु यीशु ने एक से अधिक उदाहरण दिए थे जिसमें दासों की चर्चा की गई है, जहां दासों को मूलधन दिया जाता है। मूलधन देने के बाद स्वामी उनसे कहता है, जाओ और विनिमय करो। मुझे और आपको इस तरह से विनिमय करने के लिए जीवन में बहुत सी चीजें मूलधन के रूप में दी गई हैं, एक या दो बातें नहीं है। प्रभु ने एक बात से जो समझाया वो
वो हमें समझनी चाहिए कि प्रभु ने मूलधन के रूप में हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, जिनमें एक है भाषा, दूसरी बात है मानसिक बुद्धि, तीसरी बात है एजुकेशन, इस तरह से बहुत सारी चीजें दी हैं। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय से 12वें अध्याय से मैंने ये बात याद दिलाई थी कि जिस समय हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हर व्यक्ति को कम से कम एक आत्मिक वरदान दिया जाता है, वो हमारा मूलधन है। आज जिस मूलधन की मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है हमारे दिन। हम इस बात को जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति जवानी में गुजर जाता है तो लोगों को दुख ज्यादा होता है। क्यों? इन दिनों हम लोगों की औसत उम्र जो है 65 से ऊपर जा चुकी है। सामान्य एक भारतीय परिवार में एक सामान्य व्यक्ति 60, 70, 80 या उससे अधिक उम्र जीते हैं। मेरे परदादा तो 103 साल के थे जब वो गुजरे, दादाजी 90 से ऊपर के थे। मेरे फादर मेरे साथ इसी घर में है, 91 चल रहा है और पूर्ण उत्साह है। तो ये हमको पूंजी के रूप में दिया गया समय है, लेकिन हम कई बार एक बात भूल जाते हैं कि चाहे 80 साल आपको दिए गए हो, 90 दिए गए हो या 100 दिए गए हो, ये हमारा जो भविष्य है शाश्वत काल जो अनंत है उसकी तुलना में ये एक बहुत छोटा सा समय है। और मैं आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे जैसे हमारे जीवन के दिन बीतते चले जाते हैं वैसे वैसे हमको अचानक लगता है कि अरे इतने सारे साल बीत गए, अब कितने कम दिन रह गए हैं जीने के लिए। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि जब बूढ़े हो गए, जब शरीर की शक्ति खत्म हो गई, जब बुद्धि काम करने से मना कर दे और स्मरण शक्ति साथ ना दे, तब यदि सोचो कि बाप रे ये तो सारा समय निकल गया, उससे कोई फायदा नहीं है। यदि बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसके बाद यदि हम सोचने लगे कि अरे जीवन तो बहुत छोटा है, तो जो करना था वो नहीं कर पाए हैं, इस बात को हम समझें, जो करना था नहीं कर पाए। ये प्रभु का वचन कहता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए, का मतलब यह है कि हम में से हर व्यक्ति इस बात को समझे कि मुझे जो 60 या 70, 80 या 90 साल जो प्रभु ने निश्चित कर रखे हैं वो एक पूंजी है, और प्रतिदिन मुझे गिनते जाना चाहिए कि कितनी पूंजी चुक गई और कितनी पूंजी बची है, और जो पूंजी चुक चुकी है उसको उसका विनिमय मैंने सही रीति से किया या नहीं किया, उससे जो कमाना था वो कमाया या नहीं कमाया, और यदि उससे सही कमाया तो आगे मैं और अधिक कमाऊं उसके लिए मैं अपने जीवन को तैयार करूं। हाँ, जो पूंजी पिछले सालों में प्रभु ने हमको दी यदि उसका उपयोग मैंने सही रीति से नहीं किया तो प्रभु हमको बुद्धि दे कि मैं प्रभु से याचना करूं कि हे प्रभु ये जो पिछला समय था वो तो लापरवाही में बीत गया प्रभु, और आपने जो पूंजी दी थी उसका सही उपयोग नहीं कर पाया, कम से कम आने वाले दिनों में आप मुझे जो समय देंगे जो आपने रखा है उसका उपयोग विनिमय सही रीति से करने के लिए मेरी मदद कीजिए। ये है अपने दिन गिनने की समझ का मतलब। मैं तो इन दिनों बहुत केयरफुल इन बातों को सोचता हूं। मैंने जैसे बोला 66 कंप्लीट हो गया, मान के चलिए कि प्रभु ने मुझे 20 साल और दिए हैं। आपको लगेगा कि 20 साल तो बहुत बड़ी संख्या है। जी नहीं, एक साल में 365 दिन है, 365 है, 10 साल में 3650 दिन, 20 साल में
लगभग 7,000 दिन। 7,000 दिन कुछ भी नहीं है, मान के चलिए कि 30 साल आपको दिए जाते हैं, और तो 10,000 दिन कोई बड़ी संख्या नहीं है। जिसने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है वो इस बात को जानता है कि 10,000 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अपने जीवन को इस दृष्टि से देखना चाहिए, कितने दिन मुझे मिले थे, मैंने उसका क्या उपयोग किया, और कितने दिन बस बचे हुए हैं और उसका उपयोग मैं किस तरह से करूंगा। हम में से जितने लोग आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सब से मेरी एक विनती है, अपने जीवन को दो टुकड़ों में बांट कर देखिए। नंबर वन, जो पिछला समय प्रभु ने हमको दिया था, पूंजी थी, उसका उपयोग कैसे हमने किया। जब इस तरह से हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तब ये कह सकते हैं कि मुझे अपने दिन गिनने की समझ मिली। हम भारतीय लोग गुरुओं को बहुत महत्व देते हैं। आज इंट्रोडक्शन में शिविर ने ये बात बताई कि मैं उसका गुरु हूं। मुझे खुशी है कि वो पब्लिक में उसने इस तरह से मेरा आभार माना। ये हम भारतीयों का तरीका है कि हम अपने गुरुओं को आदर देते हैं। आज मैं अपने एक गुरु के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने वाकई में अपने दिन गिने। उनका नाम था रॉबर्ट विल्सन। जब वो 30 साल की उम्र के हुए तो उनके मन में एक बड़ी इच्छा जागृत हुई कि प्रभु का वचन, पवित्र बाइबल, जिस भाषा में लिखा गया है या जिन भाषाओं में लिखा गया है उन भाषाओं में पांडित्य प्राप्त करूं, और उन भाषाओं में पांडित्य प्राप्त करने के बाद मैं उन भाषाओं में काफी कुछ लिखूं, काफी कुछ लोगों की सेवा करूं। तो उन्होंने अनुमान लगाया, मेरी उम्र 30 साल की है, मेरे फादर इतने साल की उम्र में गुजर गए थे, मेरे दादाजी फलानी उम्र में गुजर गए थे, ताऊ जी फलानी उम्र में गुजर गए थे, सबका उन्होंने औसत निकाला। तो औसत निकला 75। ये आज से बहुत पहले की बात है जब लोग दीर्घायु नहीं होते थे। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि मैं 30 साल का हूं, मेरे परिवार में पुरुषों की औसत आयु 75 है, जिसका मतलब है मैं 45 साल और जीऊंगा। ये एक्चुअल घटना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, 45 साल जीऊंगा, एक काम करूंगा, आगे के 15 साल मैं बाइबल से संबंधित भाषाओं की स्टडी में लगाऊंगा, उसके बाद 15 वर्ष मैं इन भाषाओं में प्रभु के वचन से संबंधित जो बात मिलती है सबको ध्यान के साथ पढ़ूंगा, उसके बाद इस तरह से अच्छी अच्छी नींव डालने के बाद आखिर में जो 15 साल बचेंगे उसमें नींव के ऊपर मैं उस आत्मिक भवन को बनाऊंगा, बाइबल टीचिंग जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। ये वास्तविक घटना है। उन्होंने अगले 15 साल में लगभग 50 भाषाओं का अध्ययन किया। धारा प्रवाह बोलते थे, धारा प्रवाह लिखते थे। अगले 15 साल उन्होंने स्टडी की, और वाकई में जीवन के आखिरी जो 15 साल उनको प्रभु ने दिए थे, एक्चुअली प्रभु ने उनको उम्र बढ़ा दी, वो औसत 75 का लगा रहे थे, उससे ज्यादा समय प्रभु ने उनको दिया। इन पूरे सालों में बैठकर दिन रात उन्होंने प्रभु के वचन से संबंधित पुस्तकों की रचना की, और आज भी हम जो प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं हम लोग इन पुस्तकों और इन लेखों के लिए उस लेखक के आभारी है। यह है दिन गिनने की समझ। आज जो लोग प्रभु के वचन के समक्ष बैठे हैं उनमें से हर व्यक्ति से मैं याचना करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपको लगता होगा कि जिंदगी तो एक बहुत बड़ा भार है, दिन कट नहीं रहे। आज से 5 या 10 साल बाद
आपको अचानक लगेगा कि बाप रे, मैंने कितनी लापरवाही की। सारा समय निकल गया। सारा समय निकल जाने के बाद हाय हाय करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो पूंजी आपको दी गई थी, उस पूंजी का उपयोग आप नहीं कर सकते। ये इस बात को हल्के से ना लें। जब आप मेरी उम्र पे पहुंच जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई में सीरियस है, लेकिन तब तक जीवन का दो तिहाई निकल चुका होगा, बाकी एक तिहाई बचेगी। इसलिए वहां तक पहुंचने से पहले मैं हर व्यक्ति से ये विनती करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, आज प्रभु के वचन से हम जो देख रहे हैं उसको जरा सीरियसली लें। मुझे बहुत खुशी है, मैं इस बात का आभार मानता हूं कि जब मैं एमएससी में पढ़ रहा था तब मेरे एक अध्यापक ने, मैं एक्चुअली क्रिश्चियन जर्नलिज्म पढ़ने गया, वहां मेरे एक अध्यापक ने ये प्रश्न मुझसे पूछा, तुमको क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी कितनी है, जरा हिसाब तो लगा के बताओ अपने बाप दादों की औसत उम्र के आधार पर, और उसके बाद जरा ये तो बताओ कि कितने साल बचे हैं तुम्हारे पास, और अब ये बताओ कि प्रभु के लिए तुम्हारे जीवन में करने का लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कितना समय लगेगा, कितना समय दोगे। मेरे सारे मन को उस प्रश्न ने ऊपर से लेकर नीचे तक झकझोर दिया। जब मैंने अनुमान लगाया कि जीवन के एक चौथाई तो गुजर चुका है, बल्कि एक चौथाई से ज्यादा ही गुजर गया था, अब लगभग 75% टाइम बचा है या 70%, उस 70% में मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं। और ऐसा देव योग हुआ, वाकई में देव योग, प्रभु ने, किसी व्यक्ति ने मुझे एक कार्ड प्रेजेंट किया और मुझसे कहा कि भैया इसको अपने टेबल पर जहां तुम बैठ के पढ़ते हो वहां टांग देना। मैंने टांग दिया, उसमें प्रेरितों के कामों से एक कोटेशन, एक पद अंग्रेजी किंग जेम्स बाइबल से दिया हुआ था। वो पद ये था, हे प्रभु मुझे अपने जीवन में क्या करना है, आप क्या चाहते हैं। मैंने उसको थोड़ा एक्सपेंड करके बताया, हे प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। प्रतिदिन जब मैं अपने टेबल पर जाकर बैठता था सुबह दिखता था, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में करूं, दोपहर को दिखता था, शाम को दिखता था। ये मेरे अध्यापक ने मुझसे जो कहा कि भैया तुम्हारे जीवन में कितने साल बचे हैं और इस साल में क्या कुछ करना है, अभी से हिसाब लगा लो, कल को जो है 10-20 साल के बाद हाय हाय करोगे, तब ना तो तुम्हारी बुद्धि काम देगी, ना ही तुम्हारी स्मरण शक्ति काम देगी, ना तुम्हारे अंदर स्टैमिना होगा, तब हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा, अभी डिसाइड कर लो कि प्रभु ने तुम्हें किस लिए बुलाया है और क्या करना है। पहले देख लियो फिर देख ये जो प्रश्न लियो। था, और उसके साथ साथ ये जो पद जो प्रभु ने समय पर भेजा, जो मेरी आंखों के सामने रखा रहता था, इन दोनों चीजों ने मुझे जीवन में बहुत प्रोत्साहित किया। इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि मैं अपने जीवन को एक जीवन के लिए लक्ष्य तय करूं, और लक्ष्य तय करने के बाद उस हिसाब से मैं प्रतिदिन कार्य कर सकूं। ये उदाहरण मैंने डिटेल में आपको इसलिए बताया, अपने गुरुदेव का और अपने स्वयं के जीवन का, ये याद दिलाने के लिए कि जब समय बीत जाए तो उसके बाद हाय हाय, पूंजी तो मैंने बर्बाद कर दी, इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा। प्रभु ने दासों की जो कहानी सुनाई थी उसमें हम देखते हैं हर कहानी में कम से कम एक ऐसा दास है जो आके अपने मालिक से कहता है कि आपने दिया ये तो सब कुछ है, मैंने कुछ यूज नहीं किया, ये लीजिए आपकी धर्मशाला। मनुष्य से ये बात कही जा सकती है, लेकिन दुनिया के सृष्टा सर्वेश्वर, जिन्होंने अपना जीवन मेरे आपके लिए सूली पर अर्पित किया, उस सर्वेश्वर के सामने खड़े होकर इस तरह से धृष्टता से कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर सकता है। प्रभु का वचन इस बात को बहुत स्पष्ट बताता है कि प्रभु के सामने एक तो जिंदगी बर्बाद की,
प्रभु ने जो पूंजी दी थी उसका दुर्विनियोग किया, प्रभु को जो उससे ब्याज मिल सकता था प्रभु का नुकसान किया, और उसके बाद अब प्रभु से धृष्टता दिखा रहे हैं। कोई बच नहीं पाएगा इस तरह से लापरवाही के द्वारा, कोई बच नहीं पाएगा। हम में से हर व्यक्ति को जो पूंजी दी गई है उसका सही उपयोग जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब प्रभु का वचन क्या कहता है? आत्मिक वरदान जो हमको दिए गए हैं उसका सही उपयोग करना है। प्रभु ने मेरे आपको जितने दिन दिए हैं उसका सही उपयोग करना है। उसके अलावा कितनी सारी बातें प्रभु ने हमको दी हैं। आज जब मैं प्रभु का वचन आपके सामने रख रहा हूं, तब मेरे सामने बार बार 9999 कनेक्शन आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि कम से कम इतने लोगों के पास स्मार्टफोन है। जिस जिस व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है उन सब के पास व्हाट्सएप जरूर होगा, व्हाट्सएप से संदेश आते होंगे, आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है क्या कि स्मार्टफोन के द्वारा मुझे और आपको दूसरे लोग जो चीजें भेजते हैं इनमें से बहुत सारी चीजें मूर्खता से भरी हुई चीजें होती हैं, बिल्कुल मूर्खता से भरी हुई चीजें। हम उसको पढ़ के बड़ा आनंद लेते हैं और कई बार फॉरवर्ड भी करते हैं। ऐसी चीज है जिनके बारे में कहा जाए तो सही शब्द है उपयोग शून्य, जिनका कोई उपयोग नहीं है। क्यों फॉरवर्ड करते हैं, ये अगला प्रश्न है। इसलिए कि मनुष्य की आदत है जो उपयोग शून्य चीज देखता है, जो बिल्कुल बेकार है, उसको फॉरवर्ड करता है। मनोवैज्ञानिक लोग इस मामले में हैरान है, इसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। मनोवैज्ञानिक लोग इस बात से चकित हैं कि जब एक मसीही विश्वासी को एक अच्छा सा लेख स्मार्टफोन से मिलता है, स्मार्टफोन के द्वारा मिलता है, एक अच्छी सी स्मार्टफोन पर पढ़ने लायक पुस्तिका मिलती है, एक अच्छा सा आत्मिक जीवन को प्रोत्साहित करने वाला वीडियो मिलता है, तो हम उसको फॉरवर्ड नहीं करते। लेकिन मूर्खता से भरी हुई बातें, संसार की अश्लील बातें, संसार के उपहास से भरी हुई बातें जब वो आती हैं तो बड़े शान से हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते भी हैं, बड़े भैया कल हमने आपको जो फॉरवर्ड किया था, परसों और नरसों जो फॉरवर्ड किया था, आपने पढ़ा क्या? तो मैं उनसे पूछता हूं कि भैया यदि मुझे कोई फॉरवर्ड करता है तो पहले उसको लिख देना चाहिए क्या फॉरवर्ड कर रहा है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि लोग जो सैकड़ों एक दिन में फॉरवर्ड करके भेजते हैं उसमें से हर एक को खोल कर देखूं। तो वो खी खी ही करते हुए बोला कि कुछ नहीं, ऐसे ही हंसने वगैरह के लिए मूर्खता से भरी बातें थी। मैंने कहा कि अरे भैया मेरे पास अच्छी बातें पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, तुम मूर्खता से भरी बातें भेज रहे हो, मान भी रहे हो कि मूर्खता से भरी बातें हैं, और उसके बाद मुझसे पूछने की दृष्टता कर रहे हो कि मैंने उसे पढ़ा क्या। जरा एक क्षण के लिए अपने जीवन को मुड़कर देखें, मेरा आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। मुझे और आपको प्रभु ने इस बात के लिए नियुक्त किया है कि हम ना केवल अपने जीवन में जो पूंजी है उसका उपयोग करें, उस पूंजी से दूसरों के जीवन में हम अनुग्रह का कारण बने। इसके पहले भी मैं पहला पत्रस 4:10 के बारे में आपको बता चुका हूं, और वो पद यह है कि जिसको जो जो वरदान मिला है, हरेक को जो जो वरदान मिला है वो एक दूसरे की सेवा में लगाए। तो हम इस पूंजी का उपयोग ना केवल अपने जीवन में प्रभु की सेवा के लिए करते हैं, बल्कि एक दूसरे को
अनुग्रह लाने के लिए भी करते हैं, कर रहे हैं क्या? स्मार्टफोन पर मूर्खता से भरी हुई बातें, उल जलूल बातें, दूसरे को फॉरवर्ड करके उसका समय बर्बाद करने और इस तरह से उसके आत्मिक जीवन को नष्ट करने के द्वारा हमको क्या फायदा मिला, उसको क्या फायदा मिला? उसने तो सोचा फलाने भाई ने या बहन ने भेजा है और इसलिए कुछ काम की चीज होगी, खोल के 3 मिनट देखा तब पता चला कि ये तो बेकार की बातें हैं। प्रभु का वचन कहता है पहला पत्रस 4:10, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के विविध प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। पहला पत्रस 4:10। कई भाई बहन लोग, मैं जो पद बोलता हूँ वो कमेंट बॉक्स के थ्रू भेज रहे हैं, तो उसके कारण मुझे नीचे नहीं देखना पड़ता, सीधे सीधे स्क्रीन पर देखकर मैं पढ़ पाता हूँ, उसके लिए मैं उन भाइयों और बहनों का आभारी। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं ये पद? उनके पास स्मार्टफोन है, उनको मालूम है कि ये पद यदि वो स्मार्टफोन में डाल देते हैं तो आप में से कई लोग उस पद को देख लेंगे, अचानक बाइबल उठा के खोल के देखने की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ लोगों को ये भी मालूम है कि जब मैं बैठकर इस तरह से संदेश देता हूं तो स्मार्टफोन पे नहीं, मैं कंप्यूटर पर बैठता हूं और मेरा जो चौड़ा स्क्रीन है उसमें राइट साइड में बड़े अक्षरों में मुझे दिख जाता है जो पद ये लोग डालते हैं, और इसलिए मुझे संदेश देने की सुविधा और बढ़ाने के लिए वो लोग भेजते हैं। ये सेवा नहीं तो और क्या है? जिसको जो मिला है वो परमेश्वर के विविध प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नहीं एक दूसरे की सेवा में लगाए। मुझसे 2,500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक भाई या एक बहन, ये प्रभु के वचन में से जो पद मैंने आपको बताया है वो जब मेरे पढ़ने के लिए या आपके पढ़ने के लिए स्क्रीन पर डाल देता है तो ये एक दूसरे की सेवा नहीं तो और क्या है? उनको कुछ फायदा हो रहा है क्या? उनको कुछ आर्थिक लाभ हो रहा है कि जी नहीं, बल्कि उनको तो मेहनत करनी पड़ती है कि पद निकालो फिर उसको डालो जिससे कि मैं देख सकूं या आप लोग देख सकें। ये एक दूसरे की सेवा का एक उत्तम उदाहरण है। तो आज आगे बढ़ने से पहले ये मेरे मन में बहुत बड़ा भार है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। हमारे दिन बहुत सीमित है, बहुत सीमित दिन है। मैं जब आगे को देखता हूं, यदि प्रभु मुझे उत्तम हेल्थ देते हैं, सर्वोत्तम हेल्थ देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शायद 10,000 दिन बचे हैं, ये यूं निकल जाएंगे। इसलिए हर दिन मैं इस बात को याद करता हूं, एक दिन और बीत गया, आज प्रभु ने जो दिन दिया है इस दिन का उपयोग प्रभु मेरी मदद कीजिए मैं इस तरह से कर सकूं कि कल मुझे पश्चाताप ना करना पड़े। यही बात जो प्रभु का वचन सुन रहे उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं। आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को नाम है स्मार्टफोन, मतलब फोन स्मार्ट है, इसलिए कोई मूर्ख भी उसका उपयोग कर सकता है। दुनिया की ऊल जलूल बातें जो किसी के आत्मिक जीवन में किसी तरह का अनुग्रह नहीं देती उसको फॉरवर्ड करने के लिए किसी बुद्धि की जरूरत नहीं है। लेकिन एक विश्वासी को इस तरह से दुनिया की अंट-संट उल जुलूल बातें फॉरवर्ड करके दूसरों का समय, अपना समय बर्बाद करना चाहिए क्या? भजन 90:12 के अनुसार हम में से जो अपने दिनों को गिनने की समझ रखता है वो इस बात को भी समझेगा कि समय मूल्यवान है और इसलिए वो इस तरह के कार्य नहीं करेगा। मैंने आपको बताया आज से बहुत साल पहले मेरे गुरुदेव ने पूछा कि बेटा जी कितने दिन जियोगे, जरा हिसाब लगाओ और उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ कि भविष्य में तुमको क्या करना है। एक्चुअली जर्नलिज्म पढ़ रहा था मैं, तो उन्होंने तो सीधे सीधे बोला कि देखो कितने लेख जीवन में लिखने, कितनी पुस्तकें लिखनी, अभी से सोचना शुरू कर दो, नहीं तो कुछ नहीं लिख पाओगे,
आखिर में तुम कहोगे हाय हाय समय मिला तब मैंने कुछ नहीं किया और आज करने की इच्छा है तो मेरा शरीर जो है साथ नहीं देता है। मैं उस अध्यापक का बहुत आभारी हूं। दूसरी बात मैंने आपको बताई, प्रभु ने समय पर मुझे एक पद भेजा जो सामने मैंने टांग दिया था, हे प्रभु आपकी क्या इच्छा है कि मैं करूं। उसी समय प्रभु ने इसी तरह से मुझे एक कटिंग प्रदान की जिसको मैंने अपने सामने रख लिया था। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पुराने जमाने में यदि कोई खो जाता था, किसी अपराधी को पकड़ना था, तो राजा बाकायदा नौकरों को भेजता था जो गांव गांव जाकर ढिंढोरा पीटता था। कई बार गांव में पेड़ पर ढिंढोरा पीटने वाला नोटिस ठोक देता था। तो ये जो कटिंग मुझे किसी ने प्रेजेंट किया उसमें एक ढिंढोरा पीटने वाला घोषणा कर रहा था। घोषणा यह है, मेरे जीवन में आज सोने से जड़े हुए 2 घंटे नष्ट हुए, हर घंटे में हीरे से जड़े हुए 60 मिनट थे। ढिंडोरा पीट रहा है, मेरे जीवन में आज नष्ट हुए सोने से मड़े हुए 2 घंटे या सोने से जड़े हुए 2 घंटे, हर एक घंटे में हीरे से जड़े हुए 60 मिनट थे। अच्छा, जनरली ढिंडोरा पीटते हैं तो आखिर में कहा जाता है जो व्यक्ति इस अनाउंसमेंट की बात को करेगा उसको महाराज की तरफ से इतना पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये जो कटिंग मुझे मिला उसमें आखिरी स्टेटमेंट ये था, इन सोने से जड़े 2 घंटे और हीरे से, जिनमें हर एक घंटे में हीरे से जड़े 60 मिनट है, उनको ढूंढ निकालने के लिए किसी भी तरह का इनाम नहीं दिया जाएगा। ढिंडोरा पीटते हैं तो ये कहा जाता है कि इनाम दिया जाएगा। इस ढिंडोरा पीटने वाले की घोषणा थी, जो इनको ढूंढ निकालेगा उनको किसी तरह का इनाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वे सदा सर्वदा के लिए खोए जा चुके हैं। इसे मैंने अपने सामने टांग रखा था। प्रतिदिन मैं जब उसको देखता था सुबह दोपहर शाम, तो मुझे ये बात याद आती थी, यदि आज मैंने 10 मिनट बर्बाद कर दिए तो हीरे से जड़े हुए 10 मिनट मैंने बर्बाद किए जिनको मैं कभी भी वापस नहीं ला सकता। तो आज प्रभु का वचन जो लोग सुन रहे हैं, उन भाइयों और बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, इन दिनों हम घर बैठे हैं, अब तो कई लोग नौकरी पे जाने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जानते हैं तमाम प्रकार के प्रतिबंध हैं जिसके कारण ना तो सामाजिक फंक्शन हो रहे हैं, ना ही बहुत सारे लोग चर्च नहीं जा पा रहे, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ केरल में तो प्रतिबंध बहुत ही कड़ा है। हमारे पास समय इन दिनों काफी है। मेरा अनुमान है कि 70-71 दिन हो गए जब लोग घर बंद है, 70 से 70 या उससे अधिक हो गए घरों में बंद है। खूब समय है, इस समय को हम कैसे निकालते हैं, बर्बाद कर रहे हैं या उसका सदुपयोग कर रहे हैं। याद रखिए, जीवन में 1 घंटा हमने यदि खो दिया, सोने से जड़ा हुआ 1 घंटा, हीरों से जड़े हुए 60 मिनट, उसको कभी भी हम वापस नहीं पा सकेंगे। इस कारण आज संध्या को आगे बढ़ने से पहले, प्रभु के वचन में आगे बढ़ने से पहले, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जीवन, ये जीवन प्रभु के द्वारा किया गया एक निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक पूंजी है, इसको बर्बाद ना करें, इसको कतई बर्बाद ना करें, इसका सही उपयोग करें। कल तक यदि हमने बर्बाद किया
तो जो हो गया वो हो गया। आज इस बात को ठान लें कि अब मैं इस तरह का कोई कार्य नहीं करूंगा, अब मैं आज मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसके कारण आज के दिन टाइम बर्बाद हो। इस ये है जो हमको ठान लेना है। दूसरी बात, आधुनिक माध्यम खासकर स्मार्टफोन हमको बहुत अधिक फायदा कर रहे हैं, इसीलिए तो आज हम इस तरह से आमने सामने बैठकर प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक माध्यम ने हमको बर्बाद होने के लिए और दूसरों को बर्बाद करने के लिए 100 तरीके ढूंढ निकाले हैं, जिसमें से सिर्फ एक बात मैंने आपको बताई थी, उपयोग शून्य बेकार की बातें एक दूसरे को फॉरवर्ड करके अपने स्वयं का समय बर्बाद करना, दूसरे का समय बर्बाद करना, ये ना करें। हम अपने दिनों को गिने, ये देख लें कि कितना समय बचा है और उस समय के हिसाब से मुझे अपना जीवन किस तरह से ऑर्डर करना है, इस बात को सोचें। हाँ, हो सकता है कोई भाई कहे या कोई बहन कहे कि ब्रदर मुझे तो वैसे भी बुद्धि अधिक नहीं मिली है। यह गलत बात है। याकूब 1:5 में हम क्या पढ़ते हैं, याकूब की पत्री पहला अध्याय 5वें पद में हम पढ़ते हैं, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो। देखिए, प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति को पर्याप्त बुद्धि दी है। यह हमारी गलतफहमी है कि हमारे अंदर बुद्धि की घटी है, लेकिन मान के चलिए कि आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको बुद्धि की घटी है, तो प्रभु का वचन कहता है यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। प्रभु से कुछ चीजें हम मांगे तो प्रभु कहते हैं कि अच्छा क्या करोगे तुम। यदि मैं प्रभु से कहूं कि प्रभु मैं चाहता हूं कि कल सुबह उठूं तो ये कमरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ हो, यदि मैं इस तरह की मूर्खता की बात प्रभु से कहूं, मतलब वाकई में कहूं, हम लोगों से उम्मीद नहीं की जाती कि हम इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन मान के चलिए कि मैं करूं, तो प्रभु उलाहना देंगे, बेटा जॉनसन तुमको जीवन में किस बात की घटी है जो कमरा सोने के अशर्भियों से भरने की बात कर रहे हो, क्या करोगे। उसके बाद तुमका ऐसा घमंड हो जाएगा कि तुम ना तो मनुष्य ना परमेश्वर की तरफ मुड़ के देखोगे। लेकिन जब हम प्रभु से बुद्धि मांगते हैं तब प्रभु इस तरह का कोई उलाहना नहीं देते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु जब हम प्रभु से बुद्धि मांगते हैं तो बिना उलाहना दिए देते हैं, और प्रभु का वचन आगे कहता है उसको दी जाएगी। प्रभु के वचन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम मांगेंगे तो थोड़ा टाइम के बाद मिलता है, थोड़े से समय के बाद मिलता है, लेकिन बुद्धि के बारे में प्रभु का वचन बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनल, बिना शर्त प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धि मांगोगे प्रभु बुद्धि देंगे। तो यदि हम में से किसी को लगता है कि प्रभु मैं दिन तो गिनने के लिए तैयार हूं, प्रभु यह आपकी करुणा है मैं जरूर गिनूंगा, लेकिन प्रभु उसके पहले ही मुझे बुद्धि दीजिए, प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं और अधिक समझदारी से अपने दिनों को गिन सकूं। इस तरह से यदि हम प्रभु से हम प्रार्थना और याचना करेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि हमको देंगे, और उसके पहले जो प्रॉमिस है बिना उलाहने दिए सबको उदारता से देते हैं। बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसे प्रभु बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी तरह उलाहना दिए उदारता से देते हैं। भजन 119 पूरा का पूरा भजन प्रभु के वचन के बारे में। उस भजन में कई जगह ये बात कही गई है कि हे प्रभु आपके वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है, इस कारण मेरे जो गुरुगण हैं मुझे उनसे भी ज्यादा बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हुई है।
ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है। बुद्धि एक ऐसी चीज है जो प्रभु उदारता से अपने बच्चों को देते हैं, और उसके लिए कई सारे तरीके बताए हैं। एक है अपने दिनों को गिने, दूसरा है डायरेक्टली प्रभु से मांगे, तीसरा है प्रभु के वचन को पर्याप्त ध्यान से हम पढ़ें, उस पर ध्यान लगाएं, उसका मनन करें। इन सभी बातों से, इन सभी के द्वारा प्रभु हमको बुद्धि देते हैं, और बुद्धि एक ऐसी चीज है जो प्रभु उदारता से सबको देना चाहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सुलेमान। सुलेमान को प्रभु ने दर्शन दिया, पूछा बोलो तुमको क्या चाहिए। सुलेमान ने कहा कि प्रभु आपने अपनी जनता का भार, जनता जनता पर राज्य करने का भार मुझे दिया है, अब राज्य करने के लिए मुझे बुद्धि भी दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। प्रभु ने उसको जवाब दिया, तूने दुनिया की कोई भी चीज मांग सकता था, लेकिन उसके बदले तूने बुद्धि और ज्ञान मांगा, मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, ज्ञान भी दूंगा, धन दूंगा, यश दूंगा, सब कुछ दूंगा। हाँ, सुलेमान ने एक गलती की कि जब सब कुछ मिला तो सुलेमान ने उसका दुर्विनियोग किया, ये एक परेशानी है। और इस कारण हम में से हर व्यक्ति को जीवन में प्रभु जब हमको बहुतायत से देते हैं तो बहुत सावधानी से अपने जीवन को परखना पड़ेगा कि कहीं एजुकेशन ज्यादा हो गया, मुझे घमंड तो नहीं हो गया, घर बन गया, अच्छा सा घर मिल गया, अब घमंड तो नहीं हो गया, प्रमोशन मिल गया, घमंड तो नहीं हो गया। ये जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनमें घमंड आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जीवन में जब भी हमको कोई अनुग्रह मिलता है तो घमंड की संभावना है, उसको भी साथ साथ देखते चलना चाहिए। ठीक है, तो आज प्रभु ने ये जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। कल हमने देखा था, कल हमने प्रभु के वचन से ये बात देखी थी कि जब हम प्रभु से अनुग्रह की याचना करते हैं, प्रभु मुझे फलानी चीज चाहिए, तो प्रभु कई बार कहते हैं हाँ बेटा मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम जीवन में फलाना काम तो करो। कई बार प्रभु हमसे जो करने को कहते हैं वो हमारी बुद्धि के विपरीत होता है, और जब बुद्धि के विपरीत होता है तो हमारे मन में एकदम से प्रश्न आता है कि हे प्रभु ऐसा भी करना है क्या। उसके लिए आत्मिक बुद्धि की जरूरत है कि हम प्रभु से इस तरह के प्रश्न ना पूछें। प्रभु हमसे जो करने को कहते हैं वो हमारी बुद्धि के विपरीत होगा, लेकिन यदि सही रीति से, सही रीति की बुद्धि हो, प्रभु के द्वारा दी गई बुद्धि हो, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ मनुष्य की सोच के विरुद्ध है, लेकिन इसके पीछे प्रभु का उद्देश्य है और हम उसको पूरा करेंगे। इस कारण आज मैंने ये पोर्शन लिया कि हमको यदि प्रभु की इच्छा पूरी करनी हो, हम यदि प्रभु से कुछ याचना करना चाहें, याचना के बाद प्रभु यदि अपनी इच्छा हमको बताएं और वो इच्छा पूरी करनी हो, तो उसके लिए बुद्धि जरूरी है। बुद्धि प्राप्त करने के लिए नंबर वन, डायरेक्टली प्रभु से याचना कीजिए। नंबर दो, प्रभु ने हमको जीवन में जो पूंजी दी है, समय के रूप में जो पूंजी दी, उसका सही उपयोग करें, सही प्लान करें। नंबर तीन, जब प्रभु हमको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, और उसके साथ साथ हमने जो मांगा है वो देते हैं, और जो नहीं मांगा वो जब हमको बहुतायत से देते हैं, तब उसका सही उपयोग करें। क्लोजिंग से पहले स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जरा सा यंत्र है, आजकल हर एक के पास है, हमारे पड़ोस में तो इवन भिखारी वो स्मार्टफोन लेके चलता है। मेरे घर में जो औरत वेस्ट बीनती है, इस पूरे इलाके में वेस्ट बीनने वालों की संख्या बहुत है, वो वेस्ट बीन के ले जाके बेचती है, उसके पास स्मार्टफोन है। ये एक ऐसा उपकरण है जो हमारे जीवनों के लिए बहुत जरूरी हो गया, लेकिन इस उपकरण में वो शक्ति है जो हमको बर्बाद कर सकता है। इसलिए आज शाम को बुद्धि के साथ साथ एक बात और ठान लें, हे प्रभु मैं अपने दिनों को गिनूंगा, जिससे कि मुझे, मैं आने वाले दिनों में अपने दिनों का सही उपयोग कर सकूं। नंबर दो, प्रभु ये जो छोटा सा उपकरण मेरी जेब में पड़ा रहता है, मेरे थैले में पड़ा रहता है, प्रभु
मेरी मदद कीजिए कि मूर्खता से भरी उलझुल बातें मैं दूसरों को ना भेजू, ना ही उनको देखकर अपना समय बर्बाद करूं, बल्कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए कि ऐसी चीजें मैं आगे फॉरवर्ड करूं जो दूसरे के जीवन में अनुग्रह का कारण बन सके। इन सब बातों को समझने के लिए और इनके अनुसार चलने के लिए प्रभु हम में से सबको अनुग्रह दें। मैं मंडली का, ग्वालियर की मंडली का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह से समय दिया, और मैं प्रभु का आभारी हूँ कि मैं ये संदेश आपके सामने रख सका। प्रभु के नाम की स्तुति हो।